Hello students, good morning. Today, continuing chapter 1, that is, today we are going to see exercise question and answers. So, exercise, that is chapter 1. We are going to see balancing the equations and some of the MCQs, not whole question answers, because I will be sending you question answers from all-in-one or either from digest. So from that you need to learn, but some of the balancing equations are there which we will be doing today in this video. Okay, so if you have not subscribed my channel up till now, then please subscribe it. Jo bhi mere latest videos aayenge aapko milte rahenge, aur agar aapko ye video pasand aata hai to aap like kijiye, share kijiye and subscribe bhi karte rahiye, aur apne family friends ko bhi boliye jinko bhi karna hai to wo log subscribe kar sakte hain. So let's proceed with the exercise. The first one, MCQ based. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. यहां पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, टू पीबीओ दैट इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस कार्बन दैट इज इन सॉलिड फॉर्म गिव्स टू पीबी दैट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इन गैस फॉर्म. नाउ दिस इज द रिएक्शन गिवन एंड वॉट वी नीड, वॉट दे हैव आस्क्ड अस. They have given four options, A, B, C, D. First one, lead is getting reduced. We need to clarify that which of the statements are incorrect among the following. Lead is getting reduced. बच्चों पहले तो हम लोग जो original है वो समझ लेते हैं. You can see PbO से PbO हो रहा है. PbO से Pb हो रहा है. That means the oxygen is removed from this compound. So this reaction is called oxidation reaction. And you can see PbO. What we can say that Pb is oxidized. PbO क्या हो गया यहां पे? ऑक्सीडाइज हो गया. सिमिलरली यहां पे C था, CO2 हो गया. That means oxygen is being added. So this reaction, sorry, this one is reduction. Sorry बच्चों, reduction and PbO get reduced. PbO क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस हो गया एंड ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मींस इट इज ऑक्सीडेशन. एंड सी जो कार्बन है, कार्बन क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड हो गया. ओके, सो दैट इज द करेक्शन इन दिस. नाउ हमको क्या क्या बोला इसमें, कौन कौन सा रॉन्ग है? क्या बोला? लीड इज गेटिंग रिड्यूस. बच्चों लीड तो प्रोडक्ट साइड पे है. वॉट एवर यू नीड टू सी फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट साइड पे हमको देखना है. तो ये तो प्रोडक्ट साइड पे, तो इसको भूल ही जाओ कि लीड अगर रिड्यूस हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं तो इट इज नॉट, इट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड. सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो इज ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो प्रोडक्ट साइड पे हमको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. थर्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. यू कैन सी कार्बन अकेला था, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो इट इज करेक्ट. तो सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और बी रॉन्ग थे. एंड लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. तो लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है. डेफिनेटली लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू पीबी. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है, यानी कि ए एंड बी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और सी और डी स्टेटमेंट है वो ट्रू है. हमको क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन जो दिए हुए 1, 2, 3, 4 में, उसमें ऑप्शन ए वन वाला जो है, दैट वी नीड टू टेक दैट ए एंड बी आर इनकरेक्ट. ए और बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सेकेंड वन, एफ ई टू ओ थ्री प्लस टू ए एल गिव्स ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई. एफ ई टू ओ थ्री प्लस टू ए एल गिव्स ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई. वॉट यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट एल्यूमिनियम अकेला यहां पर एलिमेंट था. एल्यूमिनियम हैज डिस्प्लेस्ड आयन फ्रॉम इट्स कंपाउंड. आयन को डिस्प्लेस कर दिया है. सो एल्यूमिनियम इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड. सो ए एल टू ओ थ्री जो है, यहां पे Fe की जगह पे क्या आ गया बच्चों? Al2O Al आ गया, दैट इज एल्यूमिनियम आ गया. एंड Fe जो है वो अलग से हो गया. सो बेसिकली यू कैन सी दैट एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस Fe. व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयन. एल्यूमिनियम आयन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया. ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है हमको पूछ रहे हैं. अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. तो कॉम्बिनेशन है? नहीं है. डबल डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ दो
आयंस एक्सचेंज नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही एक को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट. क्या डीकम्पोजिशन है? तो नो, डीकम्पोजिशन भी नहीं है. इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ऑप्शन डी आएगा यहां पे, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ये. थर्ड वन, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फिलिंग्स. आयन फिलिंग्स यानी फाइलिंग्स, इसको बोलेंगे एक्चुअली. आयन फाइलिंग्स यानी Fe सॉलिड फॉर्म में होती है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl. अगेन यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है. आयन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सो फॉर्मूला यहां पे बनेगा FeCl3, सॉरी FeCl2, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज होगा. हाइड्रोजन अलग हो गया और Fe हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया. वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन, तो बैलेंस हम लोग कर लेते हैं इसको. यू कैन सी क्लोरीन कितना है, 2 है, यहां पे 1 है, तो मैं यहां लगाऊंगा 2. हाइड्रोजन यहां 2 हो गए ऑलरेडी, यहां पे हाइड्रोजन 2 है एंड Fe यहां पे ऑलरेडी 1 है. सो इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ हमको क्या पूछा है इसमें, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फाइलिंग्स. टेक द करेक्ट आंसर. हमको क्या प्रोडक्ट्स मिले, तो FeCl2 दैट इज फेरिक क्लोराइड, आयन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. तो ऑप्शन देखो बच्चों, ए वाला ऑप्शन यू कैन सी हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. तो ऑप्शन ए इसमें आंसर आएगा. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सी दिस इक्वेशन. नाउ वी नीड टू सी बैलेंसिंग द इक्वेशन. हम लोग बैलेंसिंग देखेंगे. ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो याद रहेगा. Now some of the balancing equation, very important, ध्यान देना सभी लोग इसके ऊपर, बहुत ही important topic है ये. Question 5, question 4, question answer में है. What is balance chemical equation? तो digest में आपको मिल जाएगा या all in one में भी मिल जाएगा. Translate the following statement into chemical equation and then balance them. तो पहला A, hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Hydrogen gas, गैस हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ गैस, तो गैस है यानी कि N2 से, टू फॉर्म अमोनिया. अमोनिया यानी कि NH3, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और वी कैन से गैस फॉर्म में ही ये ऑब्टेन होगा पहले, फिर उसको लिक्विडाइज करते हैं. नाउ वी नीड टू बैलेंस. तो यहां पे बैलेंसिंग होने वाला है बच्चों, बहुत सारी इक्वेशन आएगी, ध्यान देना. यू कैन सी ये 2Na है एंड HB2 है. अब यहां पे अलग है, वेन एवर यू सी दैट द पर्टिकुलर, यहां 2 है, यहां 2, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, एन कितना हो गया, 2 हो गया, N2 हो गया. सी द हाइड्रोजन, 3 2 का कितना हो गया, 6. यहां कितना है, 2, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 6 हो जाएगा, 3. तो 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3. दैट वाज द फर्स्ट इक्वेशन. B1, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्न्स इन एयर, एयर यानी बच्चों ऑक्सीजन O2, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी H2O लिक्विड एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि गैस. तो ये हमको फॉर्म हो रहा है यहां पे. तो हाउ वी विल बैलेंस दिस इक्वेशन, लेट्स सी. You can see that here you can see that oxygen is 2 plus 1, 3. Purposely we need to keep the elements in an even number. Even number mein ho to zyada better hai. Tab equation fatafat se balance ho jati hai. So what we will do, we will be multiplying 2 over here. Hum log yahan 2 multiply karenge. To 2 multiply karne se hoga kya? 2O plus ye 2O, yani total 4 oxygen ho gaye. यहां पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2. तो व्हाट आई विल बी मल्टीप्लाइंग, 2. तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया. हाइड्रोजन कितना हो गया यहां पे, 4. 2 2 4, यहां पे कितना है बच्चों, 2 है, तो मैं यहां क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2. हाइड्रोजन 2 हो गया. नाउ यू कैन सी सल्फर भी 2 हो गया. यहां पे सल्फर कितना है बच्चों, 1.
तो यहां मैं क्या करूंगा बच्चों, टू. बट बाई डूइंग दिस यू कैन सी दैट ऑक्सीजन इज गेटिंग डिस्टर्ब. यहाँ टू टू जो फोर ऑक्सीजन और प्लस ये भी तो था टू, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों सिक्स. तो मुझे यहां पे चेंज करना पड़ेगा, यहां पे टू की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा थ्री. थ्री टू जो इट विल बी सिक्स. तो दस आउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. सी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड BaCl2 aqueous plus aluminium sulfate Al2SO4 thrice to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate. Precipitate of barium sulfate BaSO4 precipitate को मैं downward arrow से बताता हूं. And aluminium chloride that is this one aqueous medium और ये solid state में रहता है. ये white color का precipitate होता है. We have seen BaSO4 occurs in a white color precipitate. So we need to balance this. ये पहले भी हमने balance किया है. Let's see. Sulfate यहाँ कितना है बच्चों? 3. यहाँ पूरा का पूरा से SO4 पूरा देखो कितना है 1. तो मैं यहाँ क्या करूंगा बच्चों? 3. Now barium कितना हो गया बच्चों? 3. यहाँ पे barium कितना है 1. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 3. Chlorine कितना हो जाएगा? 3 to the 6. यहाँ पे कितना है बच्चों? 3. तो मैं यहां क्या मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 3 6 हो गया. एल्यूमिनियम यहां पे कितना हो गया 2. यहां पे ऑलरेडी कितना है 2. दैट्स हाउ द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस. सिंपल. तो एक के बाद एक आपको बैलेंसिंग करते जाना है. जो सबसे बड़ा कंपाउंड हो वहां से हमको उठाना है. ठीक है. पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. पोटेशियम मेटल दैट इज के रिएक्ट विद वॉटर यानी H2O लिक्विड टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH सॉल्यूशन आएगा यानी कि एक्वियस प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. H2 गैस इज रिलीज. ये गैस है. एक चीज समझ लो बच्चों, कभी भी कोई भी मेटल होता है जब वो वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस जरूर से होता है. सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, लिथियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ये सारे चीजें जो भी है मैं हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करता ही है. ओके. सो इस तरह से होगा. नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन. बैलेंस करने के लिए बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने बताया यहाँ पे O कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ कितना है 1 + 2 दैट इज 3. तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2. 2 मैंने क्यों किया बच्चों? इवन नंबर लाने के लिए. ये 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4. तो यहां पे अब K डिस्टर्ब हो गया, K2 हो गया, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? 2. हाइड्रोजन यहाँ टोटल हमने देखे थे कितने हो गए थे? ये 4 हो गए थे. तो यहां मुझे क्या लाना पड़ेगा? 2. 2 to the 4. ऑक्सीजन यू कैन सी 2 into O एंड दिस वन 2 into O. इट इज बैलेंस्ड. ओके. सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 5. पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली होमवर्क में दिया था मैंने, पर आधों ने किया होगा आधों ने नहीं किया होगा, और करने वालों में भी किसी किसी को डाउट होगा. तो आप लोग पूछते नहीं हो बट पूछा करो डाउट्स. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए, उसको हमको बैलेंस करना है. HNO3 + CaOH twice gives CaNO3 twice + H2O. Some of the chemical reactions. जैसे मैंने बताया था बच्चों के सीधा सीधा जो बड़े कंपाउंड उसको देखो. NO3 यहां पे कितना है? 2 टाइम्स है. यहां पे कितना है? 1 टाइम है. तो मैं यहां क्या करूंगा? 2. हो गया बैलेंस. H की बात करें अगर यहां पे ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 4. यहां कितना है बच्चों? 2. तो मैं यहां क्या करूंगा बच्चों? 2 2 2 4. ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन काउंट करते हैं. नाइट्रोजन कितना होगा बच्चों? नाइट्रोजन 2 into 1 दैट इज 2, और यहां पे N into 2 दैट इज 2. नाइट्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस. कैल्शियम 1 है 1 है, कैल्शियम भी बैलेंस है. ऑक्सीजन काउंट करना है हमको. 3 2 6 + 2 8.
थ्री टू सिक्स प्लस टू एट, यहाँ पे थ्री टू सिक्स और ये टू, दैट इज एट, सो इट इज बैलेंस. NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. अब ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है. दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर. ये एक तरह का सॉल्ट है. हमेशा नमक जो खाने में खाते हैं, खाली वही सॉल्ट नहीं है, और भी कई तरह के सॉल्ट्स आते हैं. सो यू नीड टू बैलेंस दिस. Na कितना है बच्चों यहां पे? 2. यहां पे कितना है? 1. तो मैं यहां क्या करूंगा? 2. हाइड्रोजन देखो यहां पे कितना हो गया? 2 प्लस 2 4. यहां पे कितना है? 2. तो यहां क्या करूंगा मैं? 2, यानी 2 2 का हो गया 4. सल्फर यहां पे 1 है, सल्फर यहां पे 1 है. ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ये 2 प्लस 4 6, ये 4 प्लस ये 2 6, तो दोनों साइड बैलेंस हो गए. थर्ड वन, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NO3. NO3 को हम नैनो 3 बोलते हैं फॉर द ह्यूमरस कंटेंट. नैनो 3 NaNO3 नैनो 3, और कैल्शियम कार्बोनेट को काको 3 बोलते हैं, CaCO3, दैट इज काको 3. तो इस तरह से भी याद रख सकते हो कुछ कुछ कंपाउंड्स को. नाउ यू कैन सी हियर Na1, Ag1, Cl1, O3 यहां पे भी O3, नो नीड टू बैलेंस, इट इज ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो ऐसी अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है तो चिंता की बात नहीं, ऐसा सोचना मत कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो बैलेंस क्या करे. जब कुछ भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस करनी होगी. कभी कभी हमको इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में भी मिलती है. BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl. ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशंस हैं. यहां से BaSO4 गया, जुड़ गया, और HCl के साथ जुड़ गया. और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए देखो, BaSO4 11 ही यहां पे है, H2 यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 2 है, तो सिंपल यहाँ पे मुझे लगाना है 2 एंड ऑटोमेटिकली इट विल गेट बैलेंस. सो 2HCl यहाँ पे हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अपने आप यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे. सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6. 4 इक्वेशंस वर देयर फॉर बैलेंसिंग. फटाफट से पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको दिमाग में रहेगा और बैलेंसिंग के फॉर्म में पूरा का पूरा आपके पास हो जाएगा. ठीक है, ले लिया होगा आपने. Now question number 7. Balance the chemical equation for the following reaction. Calcium hydroxide COH twice plus carbon dioxide CO2 gas gives calcium carbonate. मैंने बताया था ना, काको 3 plus water H2O. ये एक बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना बच्चों, वो भी एक तरह का एसिड है. वो माइल्ड एसिड है, पूरी तरह से एसिड नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन एसिड. जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो एसिड की तरह काम करते हैं, और जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस की तरह काम करते हैं. वो आएगा आगे, हम लोग देखते हैं. चलो बैलेंसिंग की बात करते हैं. यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, सी 1 है, सी बी 1 है, ओ यहाँ पे 2 प्लस 2 4 है, यहाँ पे 3 प्लस 1 भी 4 है. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है. सो यू कैन सी देयर इज नथिंग टू बैलेंस इन दिस केमिकल इक्वेशन. ऐसी केमिकल इक्वेशन आती तो मजा आता है, क्यों? कुछ करना ही नहीं होता है. ओके, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सॉलिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर Ag होता है, NO3 नाइट्रेट होता है. AgNO3 दोनों की 1-1 बैलेंस ही है, नो नीड टू डू एनीथिंग. जिंक नाइट्रेट ZnNO3 twice plus silver, that is Ag.
सिल्वर ए जी। एनओ थ्री यहां पे दो है, यहां पे क्या करूंगा मैं टू, ए जी कितने हो गए टू, तो यहां पे भी क्या करूंगा मैं टू। अब आप देखोगे तो अपने आप बैलेंस हो गया है, जिंक ऑलरेडी वन था यहां पे, नो नीड टू बैलेंस एनीथिंग फर्दर। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर की दो वैलेंसी वाला हमने लिया हुआ है, कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। अब आप सोचोगे यहाँ पे सर थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री क्यों, वो उनकी वैलेंसी की वजह से, कॉपर की टू वैलेंसी इसलिए इसको क्लोरीन को टू मिलेगा, एल्यूमिनियम की थ्री वैलेंसी इसलिए यहाँ पे उसको थ्री मिलेगा। अब इस टाइप की इक्वेशन में खास आप लोग ध्यान दें, एल्यूमिनियम यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, कॉपर वन है, कॉपर वन है, सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन में गड़बड़ी है। अब क्लोरीन में गड़बड़ी को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, हम फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं लगा सकते, वी नीड टू कीप दैट इन द होल नंबर, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। टू और थ्री का एलसीएम क्या है बच्चों, सिक्स, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स है, तो जहां टू वाला है वहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा थ्री, और जहां थ्री वाला है वहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू, तो दस आओ क्लोरीन इज बैलेंस, क्लोरीन यहाँ पे थ्री टू दिक्स, थ्री टू दिक्स हो गया, बट बाकी सब डिस्टर्ब हो चुके हैं, एल्यूमिनियम कितना हो गया टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू, कॉपर कितना हो गया थ्री, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा थ्री, दस आओ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। डी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ऐसी चौथी इक्वेशन आ रही है, पोटेशियम सल्फेट KSO4, क्या बच्चों प्रोड्यूस होगा, बताओ 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 क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज BaSO4 प्लस KCl, दोनों की वन वन वैलेंसी है। इसके पहले ही हमने एक इक्वेशन देखा जिसमें HCl प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ KCl, क्लोरीन भी दो पोटेशियम भी दो, तो यहां पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा टू अगेन, तो इट इज बैलेंस्ड। तो स्क्रीनशॉट ले लो, चार इक्वेशन थे, बैलेंस फॉर्मेशन हो गया, ले लिया बच्चों, वेरी गुड, आई होप सबको बैलेंसिंग समझ में आ रहा होगा, अगर ध्यान से देख रहे हो तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, कौन सा रिएक्शन है वो भी बताना है। चलो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, दोनों की वन वन वैलेंसी, एक्वियस मीडियम प्लस बेरियम आयोडाइड Ba2 एक्वियस मीडियम, यहां पे अगर हमको नहीं भी दिया ना आगे तो भी हम लोग करेंगे, छोड़ दो वहां क्वेश्चन देखना, यहां पे हम लोग देखते हैं K, यहां पे मेटल है, यहां पे I नॉन मेटल है, तो K के साथ क्या जाएगा बच्चों, KI, दोनों की वन वन वैलेंसी है KI, और यहां क्या बच गया BA, और यहां क्या है BR, तो क्या बन जाएगा बच्चों BaBr2, BaBr2, यहां पे हम लोग देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अब बेरियम ब्रोमाइड के बाजू में वहां पे S लिखा हुआ है, अब कोई बता सकता है एस क्यों लिखा हुआ है, एस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहली बात ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और दूसरी बात एस इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, तो बेरियम यहाँ पे जो बेरियम ब्रोमाइड है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए वहां पे सॉलिड है। ओके, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, KBr था, BaI2 है, यहाँ पे I कितना हो गया बच्चों 2, यहाँ कितना है 1, तो मैं यहाँ क्या करूंगा 2, K कितना हो गया 2, यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं 2, Br अपने आप 2 हो गया, यहाँ पे Br अपने आप 2 ही था, Ba यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इट इज बैलेंस, और क्योंकि यहाँ पे दो एक्सचेंज हुए हैं आयंस, तो ये रिएक्शन कैसा हुआ बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ओके, ये था पहला, नाउ सेकंड वन, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट,
ZnCO3 सॉलिड प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड क्या बनेगा, सॉरी जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। गैस पहचान और रिएक्शन को, एक ही कंपाउंड है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर यहां पे दो कंपाउंड बन रहे हैं। व्हेनेवर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगा बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है कि व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड द रिएक्शन इज डीकंपोजिशन। अब यहां पे हीटिंग की वजह से हुआ है नहीं हुआ हमको पता नहीं है, बट ये रिएक्शन हीटिंग की वजह से होता है तो मैं यहाँ पे एडिशनली डेल्टा लगा देता हूँ। ओके चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको। ZN एक है, ZN एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पे एक प्लस दो तीन, नो नीड टू बैलेंस। सी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है बच्चों, ये एक्वियस मीडियम में हमको मिलता है बच्चों और गैस फॉर्म में भी आता है। यहाँ पे गैस फॉर्म है तो अपने गैस फॉर्म लिखेंगे, जब पानी में डालेंगे तो एक्वियस में हो जाएगा। चलो बैलेंसिंग 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 H2Cl2 दोनों 2-2 सिंबल दैट इज 2HCl। नाउ यू कैन सी द टू मॉलिक्यूल्स गॉट कंबाइन टूगेदर। जब कंबाइन होता है और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो रिएक्शन कैसा हुआ कैसा हुआ कैसा हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा हुआ बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब छोटे छोटे इक्वेशंस, B1 मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस MgCl2। मैग्नीशियम की दो वैलेंसी इसलिए 2 आ रहा है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग। अपवर्ड एरो भी दिखा सकते हो, Gb लिख सकते हो। मैंने बताया था आप लोगों को दैट व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड यहां पे मेटलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मेटल्स कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये दोनों चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ तो दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, बट क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज बींग हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, मोनो डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया मोनो डिस्प्लेसमेंट। बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ Cl कितना है 2 है, यहाँ क्या करूंगा 2, H कितना हो गया 2, यहाँ पे H कितना है 2, तो इट इज बैलेंस्ड। सो ये तो हमारा क्वेश्चन 8 भी हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। चलो क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन आंसर है, डाइजेस्ट में मिल जाएंगे आपको। आ जाते हम लोग सीधा 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 14 नंबर पे, जो इक्वेशंस वाला है ना वो करवा रहा हूं एक्सरसाइज में, बाकी सब तो आपको क्वेश्चन आंसर ही है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर 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 चांदी, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग का मतलब जब हम सिल्वर को इम्प्योर फॉर्म से प्योरेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो उसको ओर में से लाते हैं। ओर, ओर, व्हाट इज ओर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को ओर बोलते हैं। तो ओर में से जब रिफाइन करते हैं तो प्योर फॉर्म में आता है। ओके इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। अब यहां पे बेचारा कॉपर किसी से तो आगे है, अभी तक हमने जितने भी इक्वेशन देखे सभी कॉपर को डिस्प्लेस करते जा रहे थे, बेचारा सोचो कॉपर कितना कम रिएक्टिव होगा, बट ये रिएक्शन में कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को सेपरेट करना है। सिल्वर को सेपरेट कैसे करेंगे,
सिल्वर से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ उसको रिएक्ट करवा के. तो कॉपर इज बीइंग हाईली रिएक्टिव देन सिल्वर, सो यहां पे Ag की जगह पे कौन आ जाएगा, कॉपर, यानी CuNO3 ट्वाइस एंड Ag यहां पे सेपरेट हो जाएगा. Ag यहां पे हमको अलग फॉर्म में मिलेगा. अब यहां पे अगर बैलेंसिंग की बात करें तो NO3 2 है, यहां पे 2 लगा दूंगा, NO3 पूरा 2 हो गया. एंड व्हाट इज द सिल्वर, सिल्वर यहां पे 1 है तो यहां पे लगा दूंगा 2 एंड दस आवर दिस इक्वेशन गॉट बैलेंस्ड. एंड नंबर 17 की बात करें हम लोग, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, शाइनी ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर कौन है, कौन है, कौन आया, कॉपर आया, कॉपर Cu ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर. एयर में जब हीट करते हैं Cu प्लस O2 गिव CuO, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है. यहां 2 और यहां पे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा. तो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ हीटिंग पे तो वो क्या बन गया बच्चों, कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO. CuO ये देख चुके हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में. नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कंपाउंड फॉर्म. तो एक्स एलिमेंट अपना कौन सा था, तो वो था कॉपर, और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस कौन सा फॉर्म हुआ, तो वो था कॉपर ऑक्साइड. तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, दैट वॉज द चैप्टर नंबर 1. इसकी पूरी एक्सरसाइज हमने देखी, जितने भी बैलेंसिंग इक्वेशन थी वो सारी हमने देखी. तो आज का ये वीडियो इतना तक ही रहेगा. आपको मैंने शेड्यूल वगैरह भेजा हुआ, उसको बराबर से रिफर करो, वीडियोस बराबर से देखो, 3-4 बार वीडियोस देखो. ऐसे ही मत करो कि एक बार देख लिया छोड़ दिया. ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यूस रहने वाली है बच्चों, तो यू नीड टू फोकस ऑन ऑनलाइन वीडियोस ऑफ दिस टाइप. आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा. बोर्ड की मुझे जरूरत थी, मुझे बोर्ड मिल गया, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू करवा दिया है. तो अभी फिजिक्स का नया चैप्टर मैं लूंगा, अभी देखते हैं कौन सा चैप्टर लूंगा. अपने लाओ ऑल द बेस्ट और अच्छे से अपना काम कीजिए. अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो देखते रहे और पढ़ते रहें. ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे फोन या मैसेज पे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू. Keep watching my videos.